बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप दोस्तों की दुआओं से अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम चांद अली और आज मेरे साथ हैं फ़खर भाई। फ़खर भाई और मैं, हम दोनों मिलकर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम हमने रखा है गोस्ट एडवेंचर। तो आज हम दोनों फर्स्ट शूट पर आए हैं इस गोस्ट एडवेंचर के सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट की। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे आप दोस्त हमें पहले प्यार देते आ रहे हैं वो क्या था, पर और जो भी हम जितनी भी हमने बाकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त इसको भी जो अपना प्यार देंगे। और आप दोस्तों को ये बात बता दें कि पहले जो ये जो सीरीज़ है इसका जो फर्स्ट पार्ट हुआ करेगा वो इंशाल्लाह फ़खर भाई के चैनल पर अपलोड होगा और सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पर अपलोड होगा। आवाज़ इस साइड पर फुल अंधेरा है तो नज़र नहीं आ रही, इस तरफ भी देखता था। फिलहाल इस साइड में हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको करके देखते नहीं होगा क्या मैं कहता हूँ। लाइट उठाए, लाइट चले। अभी इंट्रो स्टार्ट किया था हमने, तो पहले भी जब हम यहाँ पर आए हैं अभी, तब भी हमें कुछ चीज़ों में मूवमेंट जो है वो नज़र आई है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों को बस इतनी बात बता देते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है मेरे चैनल पर अपलोड होगा और सेकंड पार्ट फ़खर भाई के चैनल पर। और इस लोकेशन की जो डिटेल है जो हमें बताई गई है वो हम आपको वीडियो बनाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं लोकेशन। ये एंट्रेंस है लोकेशन की और इस जगह पे हम इंट्रो कर रहे थे। और ये ऊपर से आई है फ़खर भाई, इसकी कोई समझ नहीं आई यार ऊपर से, कोई दरख्त भी नहीं है। हाँ वैसे इस फार्म के ऊपर छत है क्या? छत नज़र आ रही है? नहीं छत नहीं है, इधर से भी दीवार गिरी हुई है, छत नहीं है। हाँ ऊपर छत नहीं है यार। फ़खर भाई थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अभी हम जब आए थे ना इस लोकेशन पे एंटर ही हुए हैं तब से ही जो है वो मामला सा ये। इसके अंदर से आवाज़ आई है, अंदर से आवाज़ आई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, ऐसे लगा जैसे कोई दरख्त के ऊपर चीज है कोई। ये ऊपर तो गिर रहा है, वो इतनी ऊंचाई से वो जो शाखें है ना वो हिली है। और उनका फ़खर भाई बताना भी यही था कि ये हमने फार्म बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये उनके जो है जब उन्होंने इसको छोड़ा है, आज से दो चार साल हो गए हैं उनका बताना है कि 3-4 साल के राउंड अबाउट अरसा हो चुका है हमें इस। ये किधर से आई है? इधर तो मुसलसल जो है कोई ना कोई चीज जो है वो आ रही है। इस दरख्त के ऊपर से किधर से आई है इसकी समझ नहीं आई यार, ये किस साइड से आई है? अभी तो हम लोकेशन आवाज कैसी आई है? आवाज सुनी है? कोई हल्की सी आवाज आई तो थी, जैसे पता नहीं कोई जानवर था या क्या था। और उनका ये बताना कि जब से हमने इस लोकेशन को यानी कि इस फार्म को छोड़ा है, बंद किया है, तो 3-4 साल के बाद अभी दोबारा उन्होंने इसको गिराने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कोई है, मुझे कोई लाइट करना चाहूँ वो सामने शेड के अंदर।
मुझे भी ऐसे ही फील हुआ है यार, जैसे कोई कदमों की आहट आती है ना। आवाज सुनी खैर, मैंने चांद भाई बोला ना पहले भी मुझे आवाज आई है, ये तो इतनी खौफनाक आवाज है। ये तो क्लियर रिकॉर्ड हुई होगी यार इतनी। वो सामने वाली जगह से आवाज आ रही है, साइड से वो सामने आवाज आई है। पत्थर आया फखर भाई, उसी साइड से आ रहे हैं पत्थर, जहां से आवाज का मैंने बोला डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन से पत्थर आ रहे हैं। ये शेड के अंदर तो वाजे तौर पे भागने की आवाज आई है, शेड के अंदर से आवाज आई। ये अच्छा यार फखर भाई, सर बचाना, कोई पत्थर वगैरह सर पे ना लगे। आवाज कैसी थी जानवे, जैसे कोई भागता है यार। अल्लाह हू अकबर, ये तो यार सारी ही चीजों में जैसे वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई हो ना एकदम से। मेरी तरफ तो लाइट ही नहीं है इधर, मोबाइल की ना इतना दूर से वो। वो आप दोस्तों को बताना भूल गए हम कि अभी जब फखर भाई हम लोग इंट्रो के बाद जैसे ही मोबाइल उठाया इन्होंने, सामने वो जो दरख्त है मूव हो गए और आवाज भी आई है। और अभी हमने जब जैसे ही वो उठाया मोबाइल और उस दौरान एक एक्टिविटी हुई है, अभी आवाज आई है हमें, तो जैसे ही फखर भाई ने मोबाइल की लाइट की है उसकी, सॉरी जो ऊपर लगाई हुई थी लाइट, वो एकदम से वो बंद हो गई इस जगह। ये भी इनके अंदर से आवाज आई, इसी डायरेक्शन से जो है वो पत्थर आ रहे थे और इधर से आवाज आई। फिर भी थोड़ा ध्यान से यार, पीछे हट जा, पत्थर आ रहे हैं और पहले इधर चांद भाई इस जगह से आवाज आई है। फखर भाई पीछे यार, एक चीज नहीं है यहाँ पर फखर भाई। अस्तगफिरुल्लाह, इधर से आवाज आई है, इस लेफ्ट साइड से आवाज आई है और उसके अंदर कोई चीज है, वो क्या था यार। अस्तगफिरुल्लाह, पहले भी शेड के अंदर से आवाज आई मुझे जैसे कोई बात। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। हम भी एक से ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे। ये ऊपर ऊपर छत, अल्लाह हू अकबर। वो क्या है यार, इस पे नहीं नजर आ रही, कैमरा पे नजर नहीं आ रही। मेरे भी लाइट नहीं है चांद भाई। वो छत के ऊपर चढ़ी हुई है, अल्लाह हू अकबर। चल भाई पीछे हो जाए थोड़ा सा, ये पत्थर भी आ रहे साथ में। ध्यान से यार, पांव के नीचे आ रही छड़ी से। यार उनका जैसे बताना था, हम तो अपनी बात भी पूरी नहीं कर सके कि उन्होंने उस मखलूक को देखा है यहाँ पर जो मजदूर से आवाज आई थी। चल भाई एक से ज्यादा चीजें हैं यार, हम आप दोस्तों से माजरा चाहते हैं कि हम आपको जो है लोकेशन के बारे में डिटेल नहीं बता पा रहे। जैसे ही हम बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी और कोशिश करके यार एक बार शेड के अंदर चले। मुझे वो यार उस जगह पे नजर आई है, वो सामने वो चीज। फखर भाई थोड़ा ध्यान से,
यहाँ से अभी मैं इस जगह से सामने देख रहा था, वो सामने जो पिलर है फिर भाई कोई चीज है आसपास। मुझे भी यार फखर भाई ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो चीज अंदर ही है। हाँ जी इस जगह से आवाजें आ रही। इस जगह यार इस जगह मैंने उस चीज को फखर भाई ऊपर चढ़े हुए देखा था। इस जगह पे ब्लैक नीचे से ना कमरा है, आगे कमरा है, यहाँ से यार एक ये नीचे काफी कुछ गिरा हुआ है, कांटेदार झाड़ियां भी है, अंदर कुछ है। कमरा है यार दरवाजे की मूवमेंट हुई है। बार बचना चांद पे ऊपर से कोई चीज आई। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा यार किधर से क्या चीज आ रही है। अगर भाई यार अपना ना सर बचा के रखना, जैसे कि काफी ज्यादा चीजें हैं, कभी इस साइड से आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे फील होता है इस साइड। और ये जो हमारा अल्लाह ये क्या चीज थी अल्लाह ये देखो उस रूम के अंदर कुछ है फखर भाई। ये वही चीज तो नहीं है यार जो ऊपर छत पे चढ़ी हुई थी सामने, वही है चांद पे वही लग रही है मुझे। मेरे तो दिल को कुछ होना शुरू हो गया, इतनी भयानक आवाज यार, इतनी जोर से आवाज थी, एक दफा हिला के रख दिया उसने, रोंगटे खड़े हो गए जिस्म के। ये देखो ओ, ओ, दरवाजा दरवाजा उसके आगे भी इतनी सारी ईंटें पड़ी हुई थी यार। इस चीज का अंदाजा करो कि कितनी उसमें वो पावर है कि वो देखे वो पूरी लकड़ी टूट गई दरवाजे की। इसी रूम के अंदर ही है जो भी चीज है। ये दरवाजा कैसे खुल गया, ये इतनी ईंटें पड़ी हुई है, टूट गया पूरा यार आगे उसके इतनी ईंटें हैं, वो ऊपर से बेंड हो गया सारा टूट गया। फखर भाई यार थोड़ा ध्यान से कोशिश तो है ये अंदर क्या हो रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह कोशिश तो है हमारी कि हम उस चीज को रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन हल्की हल्की सी आवाज आ रही चांद भी अंदर से, अंदर कुछ है। इधर भी यार मुझे कोई बार बार डाउट हो रहा है। ये आवाज क्या हुआ अखर भाई, क्या चीज की आवाज थी? अस्तग़फ़िरुल्लाह ओए सामने ओए उठ यार ओए ओए। यार बच गए आप, वो बहुत जोर से आवाज आई है आपके, कोई चीज लगी अंदर। यार बैठ जाओ यार यहाँ पे। धिक्का मारा किसी चीज ने ऐसे, मुझे पूरी आवाज सुनी है यार, इस पे रिकॉर्ड हुई होगी ऑडियो में। ओए यार
आखिर भाई यार ध्यान से, वो हमारे आसपास ही है। चल भाई मेरे वाला मोबाइल भी गई थी। मोबाइल भी वहीं गिर गया मेरे ख्याल से, वहीं भी गिर गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अंदर से अचानक से किसी ने धिक्का मारा जैसे। बच गए हो यार, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुंह से क्या ब्लड आ रहा है? अच्छा नहीं, वैसे मुझे लगा। ठीक है आप कर सकते हैं यार रिकॉर्डिंग, देख ले। हाँ पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही, देख लें अभी यार थोड़ी देर, अगर कहते हैं तो ब्रेक ले लेते हैं। है नहीं, मोबाइल भी वहाँ पे है। मोबाइल अगर आप ले, ये क्या है? उधर कोई चीज है। मैं जैसे ही उधर बैठा हूँ मोबाइल उठाने के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग बंद है। मेरे जैसे ना ऊपर कंधों पे कोई चीज बैठी हो ना, ऐसा उसी जगह पे जैसे शेड के अंदर भी है कोई चीज, और वो रूम के अंदर भी है। आवाज आवाज सुनी थी, ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे यार। आपकी भी मुझे तो भैया ठीक नहीं लग रही कुछ टाइम के लिए, मैं कहता हूँ ब्रेक ले लें। भाई ऐसे है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा जोर से आवाज थी यार, मैंने खुद सुना है। कोई चीज लगी आके मेरे पेट में। मुझे तो बकायदा वो चीज़ यार फील हुई है, जैसे मेरे ऊपर कंधों पे आके ना ऐसी कोई चीज़ बैठ जाती है ना, मैं गिरने लगा था आगे की तरफ। उसकी आवाज़ भी आपने सुनी होगी, सुनी आपको आवाज़ यहाँ पे? हम भी आवाज़ आई मुझे जब मैं बाइक की आवाज़ आई है, बाइक की आवाज़ आई है। फखर भाई लोकेशन से ना थोड़ी देर के लिए बाहर होते हैं। मैं भी कहता थोड़ा सा चांद में रेस्ट करें, मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यहाँ पे। देख चलें थोड़ी देर के लिए, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। हाँ जी फखर भाई, बेहतर है अभी? हाँ जी अब ठीक है। वो यार फखर भाई का एकदम सांस जो है वो रुक गया था, और मुझे बकायदा बहुत जोर से आवाज सुनी है जब फखर भाई के वो चीज लगी, और काफी पीछे आके आप गिरे हो यार। अभी भी हल्का है, पेन हो रही है। देख लें अगर कंटिन्यू कर सकते हैं, करते हैं नहीं तो बता दें। नहीं चलते हैं चांद भाई। आंखों में भी आपके पानी आया हुआ है। परिंदा है क्या? परिंदा है शायद। अभी तो यार ये भी नहीं पता चलता कि कोई परिंदा जानवर है या फिर कोई मखलूक ही है। करें फिर कंटिन्यू? हाँ जी चांद भाई बिस्मिल्लाह। और ये नहीं है कि यार कोई एक चीज़ है, आपने देखा कि पहले उस रूम से भी हमें आवाज़ आई है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और उस दोबारा जी मेरी आवाज़ आ रही है, उसी परिंदे की आवाज़ है शायद। उए पूरा दरख्त हिल रहा है, इसको रिकॉर्ड करें। पूरे का पूरा दरख्त यार, ये कोई काम नहीं है चांद में, ये परिंदा नहीं है यार, वो कोई चीज़ मखलूक ही थी। तो यार एक तो लाइट हमारी जो है ना वो खराब हो गई, और ये क्या था? कोई चीज आई ऊपर से, इधर से भी आवाज आई। इस पे तो यार कोई चीज जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, लाइट बहुत कम है।
हाँ जी इधर ख्याल से उनका भी यही बता रहा है कि पहले उन्हें पता नहीं चला, जब ईंटों की आवाज़ आई है ना तो उन्हें लगा कि शायद जो मेरा साथ का जो मजदूर है उस बंदे ने कोई ईंट वगैरह वो गिरा रहे थे ना, सारी बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। तो लेकिन एकदम से जब ज़्यादा ही जैसे पूरी बिल्डिंग गिरती है, अभी वो मुझे पोर्शन नहीं पता कौन सा है, शायद इसी इस साइड पे है या इस साइड पे, दो एरिया हैं। तो पूरा जब पोर्शन गिरा तो उनका ये बताना है कि जो हमारा मजदूर था जो बात उनके साथ था एक बंदा, वो ऐसे पूरा नीचे ईंटों के नीचे दबा हुआ था जैसे पूरी बिल्डिंग उस पर गिरी हो। तब भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, उन्होंने कहा शायद यार कोई गिर गई हो बिल्ड। ये क्या है, क्या हुआ था यार, मेरी पेंट जैसे पकड़ के किसी ने टांग खींची। फकर भाई यार थोड़ा ना ध्यान से, कोई चीज बिल्कुल उस वक्त से हमारे इर्द गिर्द है। तो यार कोई है इधर, ये देख लेसेस खुल गए। अजीब अजीब मामला हो रहे हैं यार, समझ से बाहर है। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि फुल फ्रेम में आ रहा था चांद भाई? मेरा ख्याल में फ्रेम तो आपकी तरफ ही था, शायद आया हो, कंफर्म नहीं है। अजीब ही हुआ है, मैं पहले ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी पैंट पकड़ के ऐसे खींची हो ना, और उसके बाद फिर से हुआ है, मैंने कहा शायद किसी ने शूज को टच किया है, लेकिन जब नीचे देखा तो लेसेस खुले हुए थे। नहीं बात जो है वो पूरी कर ही नहीं पा रहा मैं, कि यार उन्होंने ये बताया कि जब वो उसको बंदे को उठाया है ना हमने, तब उसने बताया कि उसके साथ क्या मामलात हुए हैं, उसने किसी चीज को देखा है बकायदा। ऊपर से आवाज आई थी, ये मुझे लगा जैसे आवाज आई ऊपर से, आई होगी शायद, मुझे नहीं पता चला बात करते हुए। चले यार एक बार ना आगे चलते हैं, लेकिन जितना टाइम हम लोकेशन से बाहर हुए थे उतनी देर के लिए सन्नाटा सा हो गया, लेकिन जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हमारा उस चीज़ को यहाँ पर आना पसंद नहीं है। जैसे ही हम आगे जाते हैं लोकेशन की तरफ, आगे से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और चीज़ों में मूवमेंट। अगर भाई लाइट थोड़ी रखना, क्योंकि मुझे आगे सही से ना नज़र नहीं आ रहा, इतनी लाइट नहीं है मेरे पास। यहां पर थे आप और हाँ जी इस जगह पे, जैसे ही आप आगे को जाने लगे हो आपके कोई चीज आगे अंदर लगी, मुझे ना आवाज आई है बकायदा, मैंने पूरी आवाज सुनी। आपका बताना कि कोई चीज अंदर लगी, मुझे कोई चीज नहीं दिखी लेकिन आवाज मैंने जरूर सुनी। अभी पीछे हो जाए थोड़ा सा, ये जैसे कुछ चीज इस साइड पे जाने ही नहीं दे रही। ऐसे लग रहा है फकर भाई जैसे उस चीज का बसेरा इस एरिया में है, ज्यादा हमने उसको मैंने अगर देखा भी है तो इसी के ऊपर देखा था छत पे यार, उसको मैंने ऊपर से वो ईंटे फेंक रही थी। अगर हम बोले कोई इंसान तो मुझे तो यहाँ से कोई ऊपर चढ़ने का रास्ता, ये देखो देखे, हम आपको यहाँ पे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए।
आगे भी फकर भाई आपके अटैक हुआ है तो थोड़ा यार ध्यान से, तो इसलिए इस साल गले को पता नहीं क्या हो रहा है जैसे ना कोशिश करके यार एक बार हम लोग अंदर चले बिस्मिल्लाह चौंक पे करते हैं इसी साइड से ख्याल से जान। अस्तग़फ़िरुल्लाह यही अभी लगता है जो उन्होंने वो बता रहे हैं ना कि छत वगैरह अभी एक पोर्शन की उन्होंने गिराई आवाज आई है। ये क्या किस चीज की आवाज? इसकी इसकी आवाज आई जहां भी मेरा, तो मैं तो इधर खड़ा था। बच गया चांद भाई यार, ये कहां से आके लगी है? यार ठीक है चांद भाई, थोड़ा ध्यान करना यार, इधर कुछ अस्तग़फ़िरुल्लाह कुछ पता नहीं चल रहा यार, किधर से क्या चीज आ रही है। ये ईंटें बोल ओ मार अस्तग़फ़िरुल्लाह ठीक है चांद भाई, बच ज्यादा तो नहीं लगी यार, हड्डी पे आके लगी है अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये ऊपर से कहीं से गिर रही है यार, अपना हम पे अटैक करना शुरू हो गई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह यहां से गिर रही है यार ऊपर से, ये तो चांद पे मेरे ख्याल रिकॉर्ड भी हुई है वो पूरी ऊपर से नीचे गिरी है। और उसने ये बताया सांस लेने की आवाज है, आवाज ही अस्तग़फ़िरुल्लाह चांद भाई ये अस्तग़फ़िरुल्लाह ये पूरा पिलर मूव हुआ है चांद भाई, देखा है आपने? सामने में हिल रहा था यार ये। अस्तग़फ़िरुल्लाह इतनी भारी यार, फखर भाई साइड पे रहना, ये ऊपर गिरा ना तो बचना कुछ नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये जैसे पे हो जाते फखर भाई, जैसे उन्होंने बताया था ना कि उनके ऊपर वो गिरी है पूरी की पूरी, ऐसे ईंटों के नीचे ही वो यानी कि बंदा जो है वो दबा हुआ था, तो इसी तरह यार ये पूरी बिल्डिंग गिरी होगी। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है ये अस्तग़फ़िरुल्लाह
इनसे साइड से हो जाते थोड़ा सा, देखिए खुद को गिरे ना जाए हमारे ऊपर ही, खुद को आप बिना नुकसान पहुंचाए जाहिर कर सकते हैं तो करें। यार मैं ये चाहता हूँ फखर भाई कि एक बार ना अगर हम उस चीज को रिकॉर्ड कर लें तो मेरे ख्याल से कि फिर ही ले आवाज। ये आवाजें कैसी आ रही है सर? मुझे भी मुसलसल इस तरह की आवाज आ रही है जैसे कोई चीज हमारे इर्द गिर्द है, सांस लेने की आवाज और कदमों की। एक बार रुकना, आप स्टिल हो ना। गाड़ी की आवाज है यहाँ से कहीं से आई है? मुझे तो जान में मुसलसल आवाजें ऐसे आ रही है। ये सुनो, स्टिल रहना आप। ये इतनी भयानक आवाज, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जान भाई उसी उधर जो रूम है ना उसके अंदर से, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसे लग रहे हैं जैसे वो रूम फिर उसका रिहायश गाह तो नहीं, वहां पर उस वो रहती तो नहीं, उसने कब्जा किया हुआ है जैसे। मेरे तो कानों में ऐसे आवाज पड़ी है ना, बिल्कुल बैक साइड से आपकी आवाज आई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। चांद भाई यहाँ पे जो भी मामलात हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं। ये पिलर देख ले चांद भाई, कितना वो ऐसे अच्छा खासा उसका वजन है यार, वो पूरे का पूरा मूव हो रहा है, हिल रहा है। और अगर ये हमारे ऊपर गिरता है तो कोई चीज नहीं बचेगी यार। सही बात है, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा इस चीज का यार ख्याल रखना, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपकी बैक साइड पे लाइट नहीं है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि ओए वो डोर सामने। ख्याल से जान भी ये दिखाइएगा एक दफा। ये देखिए ये यहां से पूरा टूट गया और नीचे ईंटें थी जिस वजह से वो नहीं। वो चीज इसी रूम के अंदर है वो, लेकिन अभी वो अपना आप कुछ जाहिर नहीं कर रही। क्या चीज लगी इसमें? कुछ लगा इसके अंदर? दरवाजा जैसे किसी ने खेचा हो। दरवाजा खोल के देखो। हाँ जी खोलने चाहिए। ख्याल से चांद भी बहुत ख्याल से जी। ओए चल चल।
चांद भाई, अल्लाह हू अकबर, चांद भाई।